गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत सारी वैरायटी है ब्रेकफास्ट में, तो मैंने अभी थोड़ा सा लिया। हालांकि मैं आज सारी चीज़ें टेस्ट करूंगी, बिकॉज कल मैंने कुछ भी टेस्ट नहीं किया था। आज मैं सारी चीज़ें टेस्ट करूंगी कि कैसी है। एंड अभी मैंने थोड़ा सा कुछ लिया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास है पोटैटो वेजेस, मकेन्स है, एंड सांभर वड़ा है, एक और कुछ है, एंड चार तरीके की चटनी है। यहाँ नारियल की चटनी है, ये पीनट चटनी है, एंड एक और ये कुछ चटनी है। एंड मैंने थोड़े से नूडल्स लिए हैं, एंड ये इडली ली है, कुछ मसाला इसमें डाला हुआ है। तो अभी थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने और लाई हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। पूरी उपमा वगैरह भी थे, बट मैंने वो नहीं लिया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो थोड़ा थोड़ा मुझे सारी चीज़ें टेस्ट करनी थी। ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय करती हूँ, एंड बाद में हम जब बाहर जाते हैं तब मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हम जा रहे हैं चार मीनार की एरिया, तो वहाँ पर एक मंदिर है, तो वहाँ पर विज़िट करेंगे। एंड कुछ काम भी है हमें वहाँ पर, तो वो पहले ख़त्म करेंगे, देन हम मंदिर जाएंगे। एंड चौमाला पैलेस जो है बहुत ही मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है हैदराबाद में, तो वो भी विज़िट करने का आज प्लान है हमारा। तो अभी हम जा रहे हैं चार मीनार की साइड में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बिकॉज हैदराबाद में सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, एंड बहुत ज़्यादा रश था। एंड 15 अगस्त था, तो और ज़्यादा मतलब भीड़ थी। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी हम आए हैं चौमाला पैलेस, तो जस्ट एंट्री किए हैं, एंड देखते हैं अंदर से कैसा है। तो चौमाला मीन्स होता है फोर पैलेसेस, तो ये गलियारा है यहाँ पर, तो बहुत ही बड़ा पैलेस था। एंड यहाँ पर निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद जो थे वो परमानेंट मतलब ऑफिशियल रेसिडेंस था उनका। तो ये फाउंटेन लगा हुआ है मिडिल में, तो बहुत ही सुंदर। ये तोप भी लगी हुई है यहाँ पर फ्रंट में ही है। तो ये पैलेस है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो फोर पैलेसेस, चौमाला पैलेस का मतलब है फोर पैलेसेस है इसके अंदर। तो ये बाहर का व्यू है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मोहर वगैरह होती है, तो निज़ाम के वक्त में जो मोहर यूज़ होती थी वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई हुई है। एंड ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ पैलेस का। तो यहाँ पर जितनी भी सेरेमनी या रिलीजियस फंक्शंस होते थे तो यहीं पर होते थे। एंड यहाँ पर 19 चैंडेलियर्स लगाए हुए हैं, वो भी बेल्जियम क्रिस्टल्स के। एंड ये मेन सीट है, तो ये पूरी मार्बल की बनी हुई है सीट, जो कि मेन अट्रैक्शन लगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी ये जगह। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं, बहुत सारे रूम्स वगैरह थे जहाँ पर सारी चीज़ें डिस्प्ले की गई थी, तो इस तरीके से बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें डिस्प्ले में हैं। एंड वॉल्स पे लगी हुई मिल जाएगी, जितनी करेंसीज एंड कॉइन्स वगैरह यूज़ होते थे निज़ाम के वक्त में वो सारे डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। एंड ये आप देख सकते हैं ये तख्त जो है वो यहाँ पर है, चांदी का है पूरा, बहुत ही खूबसूरत है। एंड जितनी यहाँ पर जिन्होंने भी रूल किया था तो वो सारे डिस्प्ले में बताए गए। एंड फर्नीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, तो ये फर्नीचर का अलग से रूम था, तो बहुत ही एंटीक फर्नीचर थे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो सुराही वगैरह जो यूज़ होती थी वो सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया हुआ है। तो इस पैलेस के अंदर आपको कैंटीन भी मिल जाएगी, अगर आपको रिफ़्रेशमेंट चाहिए तो यहाँ पर कैंटीन भी है, एंड सोवीनियर की शॉप भी है।
तो वहाँ से आप कुछ अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। ये शूज़ वगैरह बच्चों के एंड लेडीज़ के एंड साड़ीज़ वगैरह भी यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे को फर्नीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा एंटीक लगे एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। आप देख सकते हैं डिज़ाइंस कितनी एंटीक है इनकी। एंड यहाँ पर वेपन्स वगैरह जो यूज़ होते थे, गन्स स्वॉर्ड्स वगैरह जो भी है, तो वो डिस्प्ले में लगाई हुई है। एंड मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, आपको ग्लास में तो यहाँ पर डिस्प्ले की गई है सारे वेपन्स, एंड पूरे वॉल पे लगाई हुई है, ऊपर टॉप तक आप देख सकते हैं पूरे वॉल में डिस्प्ले किया गया है, जो कि मतलब जिससे कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज की गई है सारी चीज़ें, एंड विंडोज़ भी बहुत ही बड़ी बड़ी विंडोज़ थी, आप देख सकते हैं ऊपर तक पूरे वेपन्स लगाए हुए हैं, बहुत खूबसूरती से अरेंज किया गया है इन्हें। एंड ये जो खंजर वगैरह होते हैं वो सारे लगाए हुए हैं, एंड खुजली करने की जो आइटम्स होते हैं वो भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, एंड चांदी के हैं वो। यहाँ पर जो लेडीज़ वगैरह साड़ीज़ पहनती थी तो वो डिस्प्ले में है, बहुत ही खूबसूरत साड़ीज़ है। एंड जरदोजी का वर्क है, बनारसी वर्क है, ऑर्गेन्जा में है, क्योंकि थोड़ा सा मिरर लगाया हुआ है यहाँ पर एंड सनलाइट की वजह से उतना प्रॉपर व्यू नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, जितनी भी यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई हुई थी साड़ीज़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। निज़ाम्स की जैकेट्स वगैरह है वो भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं विंटेज कार्स देखने के लिए, काफ़ी बड़ा पैलेस है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर सारी विंटेज कार्स जो कि रॉयल्स लोग यूज़ करते थे, तो रॉयल्स रॉय भी यहाँ पर लगाई हुई है, जितने भी निज़ाम्स के थे तो वो जो यूज़ कर रहे थे कार सारी यहाँ पर लगाई हुई हैं। यहाँ पर इस पैलेस का एक मेन अट्रैक्शन में ये भी कार्स भी आती हैं, तो अगर आप मतलब हैदराबाद विज़िट करते हैं तो चौमाला पैलेस मस्ट विज़िट में आता है, बिकॉज एक तो हिस्टोरिकल प्लेसेस में आती है ये सारी जगह, तो इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, तो सालार जंग म्यूज़ियम वो भी बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो। एंड ये पैलेस भी मस्ट विज़िट में आता है, तो आप देख सकते हैं सारी कार्स यहाँ पर लगाई हुई हैं इस तरीके से। यहाँ पर बाइक्स वगैरह भी थी, लेकिन इनकी हालत थोड़ी सी ख़राब ही हो रखी थी, बट यहाँ पर ये लगाए हुए हैं। एंड यहाँ पर ये जीप ये सब है, एंड बग्गी वगैरह मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी एक्चुअली, तो बहुत बड़ी बड़ी बग्गियाँ थी, तो ऐसे देख के मन करता है एक बार यहाँ पर इस बग्गी में बैठ के राइड ज़रूर ले ली जाए, बट आप अंदर नहीं जा सकते, ऐसे बैरियर जैसा लगाया हुआ है तो आप अंदर नहीं जा सकते, बस बाहर से आप इस तरीके से देख सकते हैं क्लोज़अप, एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सारी बग्गियाँ। यहाँ पर ये कुछ रूम्स थे जिसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे, तो बाहर से ऐसे देख सकते हैं, जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया हुआ था, लाइक लिविंग रूम टाइप से है ये। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, धूप काफ़ी ज़्यादा है, बट हवा चल रही है तो थोड़ा सा राहत है, नहीं तो घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो ये मेन गेट है चौमाला पैलेस का, तो यहाँ पर ऊपर क्लॉक लगाई हुई है जो कि 251 ईयर से चल रही है, एंड एवरी वीक उसे रिपेयर किया जाता है,
तो ये भी एक अट्रैक्शन है यहाँ पर। अभी देखते हैं और भी कुछ देखने को बाकी है या ख़त्म हो गया है, शायद ख़त्म हो गया है ये। तो अब हम जाएंगे चार मीनार की एरिया, तो वहाँ का मैं आपको दिखाऊंगी चार मीनार, और वहाँ का जो भी मार्केट है वो मार्केट एरिया आपको दिखाऊंगी। तो हम आ गए हैं चार मीनार, तो यहाँ का ये मार्केट है पूरा, जहाँ आप तो चार मीनार के साइड जाते हैं तो पूरा इस तरीके से मार्केट लगा हुआ है। एंड बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी, लाइक बैंगल्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं हैदराबाद में इस एरिया में। तो यहाँ से आप बैंगल्स तो ज़रूर से लेके जा सकते हैं अगर आपको बैंगल्स पहनने का शौक़ है तो, और भी मतलब सैंडल्स वगैरह, पर्सेज है, बैग्स है। तो ये पूरा चार मीनार आप देख सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा रश था एंड पूरी लंबी क्यू लगी हुई थी। तो यहाँ मैं आपको बाहर से व्यू दिखा रही हूँ चार मीनार का पूरा, एंड ये शॉप्स वगैरह है वहाँ पर बाहर काफ़ी। ये पूरा चार मीनार का मार्केट आप देख सकते हैं, बहुत तेज बारिश होने वाली है। क्लिप दिखा रही हूँ चार मीनार मार्केट का, तो इसका अलग से मैं वीडियो जरूर से शेयर करूंगी आपके साथ में। तो अब हमने यहाँ पर चार मीनार में ली है लस्सी, हम पी रहे हैं लस्सी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे टेस्ट, पता नहीं कैसा है, टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। अच्छी है, मलाई वगैरह बहुत ज्यादा डाली हुई है। तो मैं अभी आई हुई हूँ बीकानेर वाला में, तो हम डिनर करने आए हैं और हमने बफे लिया है। तो अभी स्टार्टर्स का राउंड चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, तो स्टार्टिंग का मैंने शूट नहीं किया। अब मैं एक दो आइटम्स जो भी खाने वाले हैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अभी मैंने सूप लिया है एंड कुछ कॉर्न का कटलेट था वो लिया है, और कुछ चाइनीज़ आइटम कुछ था वो लिया था स्टार्टर्स में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करने के लिए ली थी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ही ली है ताकि टेस्ट पता चल सके। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।